अम्मा ये घर है या महल है? इतना बड़ा इतना खूबसूरत घर तो मैंने कभी देखा ही नहीं। देखे तो सही। पगली, बड़े लोगों के घर ऐसे ही होते। चला चला। सलमा कैसी हो? ठीक हूँ। बेगम साहब कहाँ हैं? अंदर ही। अच्छा आजा बेटा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो खतीजा? अल्लाह का शुक्र है जी। ये मेरी बेटी है जी अज़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैंने उसको इतना छोटा सा देखा था, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। कैसा है सुल्तान? नहीं बेगम साहब, अभी तबीयत ठीक नहीं है, दर्द बहुत है और चल नहीं सकता, तो उसका कोई काम है हमें बता दीजिए। अच्छा सलमा, सलमा जी। बेगम साहब देखो इनको किचन दिखा दो और सुल्तान जो कुछ बना के गया है वो भी बता दो, और जो रह गया है काम वो सब समझा दो, ठीक है? जी बेहतर, आइए आप लोग जाइए। अच्छा अम्मा प्याज हो गई, अब क्या करना है? प्याज देखी सही हो गई। अच्छा हाँ अच्छा, बस अब मैं इसमें पानी डालें थोड़ा सा। यार यहाँ पे पता नहीं सुल्तान भाई काम कैसे करते हैं, इतना डर लग रहा है किसी भी चीज़ को हाथ लगाते कहीं टूटी ना जाए। 8 साल से सुल्तान यहाँ काम कर रहा है, वैसे तो कभी अगर छुट्टी कर ले तो मैं और कमल आते हैं, तो कभी आई नहीं ना यहाँ। अल्लाह बस मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है, जल्दी जल्दी काम करो यहाँ से निकले। अच्छा तो ऐसा कर हलीम निकाल, वो भी तो गर्म करनी है वहाँ से। हलीम कहाँ है? तो फ्रिज में रखी है, और कबाब भी फ्राई करने। चल शाबाश निकाल, मैं और सब्जी काट लूँ।